क्या होगा अगर हम रोजाना अपने चैनल पर 12 दिनों के लिए फैक्ट के वीडियोस अपलोड करें तो। और इसी चीज का पता लगाने के लिए मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट किया है। अगर आप यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस देखते हो तो आपने फैक्ट के वीडियोस तो कभी ना कभी जरूर देखा होगा। अगर आप उनके चैनल पर जाकर चेक करोगे तो एक एक चैनल के 10-15 मिलियन तक सब्सक्राइबर होते हैं। तो यही देखकर मैंने सोचा कि चलो हम खुद अपने एक चैनल पर चैलेंज करके देखते हैं। और रोजाना मैंने फैक्ट के वीडियोस बनाकर डालना स्टार्ट कर दिया 12 दिनों तक। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। लेकिन आखिर हमारे इस वीडियो में ऐसा क्या खास है जो कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए? तो देखो, मैं तो आपको 12 दिनों तक कंप्लीट चैलेंज करके दिखाऊंगा ही, उसी के साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप फैक्ट के वीडियोस कैसे बना सकते हो, आपको रिसर्च कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, उसके बाद अपलोडिंग कैसे करनी है। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को बस अंत तक देखते रहो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैंने 20 से 21 यूट्यूब चैनल पर अलग अलग तरह के चैलेंजेस कंप्लीट किया है 2-3 महीने पहले से ही, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर इन सारे चैलेंजेस को कंप्लीट करती है और उसका पूरा रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर आप इस वाले वीडियो को देख लेते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको ऐसे चैनल बनाने चाहिए या फिर नहीं। वैसे तो फैक्ट के वीडियोस आप जैसे मर्जी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा जिससे कि आपके वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा व्यूज जा सके। स्क्रिप्टिंग में सबसे मेन पार्ट होता है हमारा रिसर्च करना। आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक पे कैसे वीडियो बनाना है? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन आप काम ये कर सकते हो कि यूट्यूब पर ही आपको फैक्ट के कई सारे शॉर्ट के चैनल मिल जाएंगे। आप जाके उनके चैनल से आइडियाज ले सकते हो, जिसके बाद आप अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिख सकते हो। जब आप किसी भी नए चैनल को स्टार्टिंग से ग्रो करते हो तो आपको अलग चैनल से आइडियाज वगैरह ले लेने चाहिए। जब आपका चैनल ग्रो होने लगता है तो उसके बाद आप जो है खुद से अच्छे से लिख सकते हो। तो दोस्तों, जहां तक शूटिंग वगैरह की बात है, तो अगर आप खुद चेहरे के साथ वीडियो बनाना चाहते हो तो अच्छी बात है, वरना अगर आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अपना ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप किसी भी मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई माइक्रोफोन है तो आप उसका इस्तेमाल करना। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर आप मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो हमेशा जो मोबाइल का माइक्रोफोन होता है, जो कि ज्यादातर नीचे की तरफ होता है, तो आपको मोबाइल ऐसे उल्टा करके पकड़ना है ताकि आवाज सीधे यहां से यहां जा सके। और हमेशा अपने मोबाइल को अपने गले से थोड़ा नीचे पकड़ना। कई सारे लोग AI ऑडियो बनाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहो तो आप AI ऑडियो का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैक्ट के चैनल पे AI वॉइस मोनेटाइज हो जाता है। जहां तक दोस्तों एडिटिंग की बात है, तो आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हो तो अपने मोबाइल से ही एडिट कर सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट होगा। वैसे कई सारे लोग लैपटॉप से भी एडिट करते हैं, लेकिन लैपटॉप में बहुत सारी चीजें होती है जिस वजह से मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से आप मोबाइल के मदद से कहीं भी खड़े होकर अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो। आजकल तो कई सारे एप्लीकेशन मोबाइल में इतने ज्यादा फीचर दे देते हैं जिससे कि आप हाई लेवल की एडवांस एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि कैपकट, एलाइट मोशन, इस तरह की कई सारी एप्लीकेशन है जहां पे ऑटोमेटेड सारी चीजें आपको रेडी मिलती है। तो अगर आपको एडिटिंग थोड़ी बहुत भी आती है तो आप सारी चीजों को खुद समझ जाओगे। मैं अभी आपको लैपटॉप पे करके दिखाता हूं, लेकिन जो सेटिंग मैं लैपटॉप पे करूंगा वो सब कुछ आपको मोबाइल के कैपकट, एलाइट मोशन में भी मिल जाएगा। अगर आपने कभी भी इस्तेमाल किया होगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले नीचे हम ऑडियो लगाएंगे और ऑडियो के हिसाब से हम डिफरेंट क्लिप्स को कट कट करके लगा लेंगे। जहां तक दोस्तों क्लिप्स की बात है, तो आप गूगल से कई सारे इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, बिना किसी कॉपीराइट के कोई झंझट नहीं होने वाला। लेकिन जहां तक वीडियो इस्तेमाल करने की बात है, तो आप कॉपीराइट फ्री वेबसाइट से वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पर जाके कॉपीराइट फ्री वीडियो वेबसाइट वगैरह आप सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे, उन सबको आप देख लेना।
इसके अलावा भी अगर आप चाहे तो यूट्यूब से भी कई सारे वीडियोस में से छोटे छोटे क्लिप्स लेकर इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो कि कोई एक मिनट या फिर पांच मिनट या फिर दस मिनट का वीडियो है, तो उसमें से आप चार सेकंड पांच सेकंड का क्लिप कट करके यूज कर सकते हो, फिर दस पंद्रह सेकंड बाद फिर से तीन चार पांच सेकंड का क्लिप कट करके यूज कर सकते हो। मतलब हर दस पंद्रह बीस सेकंड के बाद छोटे छोटे जो है तीन चार सेकंड के क्लिप आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे इस्तेमाल करोगे तो आपको कॉपीराइट का कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी हजारों फैक्ट के चैनल है जो कि इसी तरीके से अपने वीडियोस को बनाते हैं। जहां तक दोस्तों अपलोडिंग की बात है, तो कई सारे लोग मोबाइल से अपलोड करना पसंद करते हैं, कई सारे लोग लैपटॉप से करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल के क्रोम ब्राउजर से अपलोड कर सकते हो, क्योंकि जब आप मोबाइल के ऐप से अपलोड करते हो तो उसमें कुछ क्वालिटीज कम रह जाती है। तो अगर आप चाहो तो क्रोम ब्राउजर पे जाके आप यूट्यूब स्टूडियो सर्च कर सकते हो। स्टूडियो जैसे ही आ जाएगा तो आप ऊपर के थ्री डॉट पे क्लिक कर सकते हो, उसके बाद डेस्कटॉप मोड पे क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आपका डेस्कटॉप मोड ओपन हो जाएगा एकदम लैपटॉप के तरह, और यहां से आप अपने वीडियो को अपलोड कर पाओगे। तो अब तक मैंने आपको वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना ये सब कुछ बता दिया है। अब हम 12 दिनों तक हमारी वीडियोस को अपलोड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें कितना व्यूज और कितना सब्सक्राइबर मिलता है। तो जैसे ही मैंने पहले दिन वीडियो को अपलोड किया तो मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा कि उसमें व्यूज जाएगा या फिर नहीं। बस मैंने वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया, बस बात खत्म। लेकिन मुझे एक चिंता था कि आखिर मैं इसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कैसे लगाऊं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज जा सके। तो मैंने कई सारे फैक्ट के वीडियो देखे और उसके हिसाब से टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना लिया और उसी को इस्तेमाल करने लगा। अब मैंने कैसे टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाया वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखा दूंगा। बाकी जो हमने पहले दिन वीडियो अपलोड किया और 24 घंटे बाद आकर चेक किया तो उसमें बस जीरो व्यूज गए थे। दूसरे दिन भी जब मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ और 24 घंटे बाद आकर देखता हूँ तो उसमें बस तीन व्यूज गए थे। इसी तरह जब मैंने तीसरे दिन भी वीडियो अपलोड कर दिया और 24 घंटे बाद आकर जब मैंने चेक किया तो विश्वास नहीं करोगे, उसमें बस दो व्यूज गए थे। चौथे दिन भी मैंने जब अपने वीडियो को अपलोड कर दिया और 24 घंटे बाद आकर चेक किया तो उसमें बस 7 व्यूज गए थे। अभी ये सब कुछ देखकर कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि इतने मेहनत से वीडियो बना के अपलोड करने के बाद भी अगर दो चार व्यूज आते हैं तो हमें वीडियोस अपलोड करने का क्या फायदा। तो अगर आप YouTube पर आते हो और चैनल बनाते ही फायदे और नुकसान के बारे में सोचते हो तो आप कभी भी एक यूट्यूबर नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने दिमाग को शांत रख कर बस मेहनत करते रहना पड़ता है। इसी तरह पांचवें दिन भी जब मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ और 24 घंटे बाद आकर उसे चेक करता हूँ तो उसमें बस 74 व्यूज गए थे। छठा दिन भी हमारा कुछ खास नहीं जाता, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और 24 घंटे बाद आकर चेक करता हूँ तो उसमें बस 17 व्यूज होते हैं। लेकिन जब मैं सातवें दिन वीडियो अपलोड करता हूँ और 24 घंटे बाद आकर चेक करता हूँ तो उसमें 3.6 के व्यूज जा चुके थे। अब पहली बार इस चैनल को देखकर मुझे उम्मीद महसूस होती है। इसी तरह उम्मीद लगाकर जब मैंने आठवें दिन वीडियो अपलोड किया और 24 घंटे बाद आकर चेक करता हूँ तो उसमें बस 296 व्यूज गए थे। इसी तरह जब मैं 9th डे को वीडियो अपलोड करता हूँ और 24 घंटे बाद आकर चेक करता हूँ तो उसमें बस 732 व्यूज गए थे। लेकिन जब मैं 10वें दिन जाकर वीडियो अपलोड करके 24 घंटे बाद आकर चेक करता हूँ तो इसमें एक चीज अच्छा होता है कि 3.9 के व्यूज हमारा इसमें पहुंच जाता है। इसी तरह मैं 11th डे को भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ और 24 घंटे बाद आकर जैसे उसे चेक करता हूँ तो उसमें 312 व्यूज गए थे। और इसी तरह आखिरकार मैं 12th डे को भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ और 24 घंटे बाद जब आकर चेक करता हूँ तो उसमें बस 1.3 के व्यूज गए थे। अब देखो, कई सारे शॉर्ट वीडियो में ऐसा होता है कि वीडियो पब्लिश करते ही 4-5 घंटे के अंदर 3-4-5 हज़ार तक व्यूज चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो व्यूज पूरी तरह से आना बंद हो जाता है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि मैंने 12 दिनों तक वीडियो डाला, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से व्यूज आ गया हो।
लेकिन फिलहाल मैं इस चैनल को ऐसे ही छोड़ देता हूँ 3-4 दिनों के लिए, और तब तक मैं अभी तक बनाए हुए सारे वीडियोस की एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ। जितना भी मैंने अभी तक चैलेंज का डाटा कंप्लीट किया है, मुझे वीडियो रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे 9 दिन हो चुके हैं वीडियो अपलोड किए हुए, और मुझे 5-6 दिनों के अंदर इस वीडियो को भी अपलोड करना ही पड़ेगा। तो जब मैं आज अपने एक दोस्त के घर पे गया तो उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, तो उसका आंसर मैंने तो सही सही दे दिया, लेकिन आप इसका आंसर देके बताओ कि आपके पास कितना दिमाग है। लड्डू की मम्मी के 4 बेटे हैं, एक का नाम है रॉनी, दूसरे का नाम है राजू और तीसरे का नाम है चिंटू। तो आप बताओ कि चौथे का नाम क्या होगा। मैं सच कहूं तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। अब देखते हैं कि कितने लोगों के पास थोड़ा भी दिमाग है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आखिरकार 3-4 दिनों बाद जब मैं आज इस चैनल को चेक करता हूं तो मैं कुछ ऐसा देखता हूं जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। हालांकि मैंने अब तक अपने वीडियो की आधी एडिटिंग कंप्लीट कर ली है, जो भी मैंने अब तक चैलेंज कंप्लीट किया है, लेकिन अभी तो फाइनल रिजल्ट बाकी है, क्योंकि मैं अभी फाइनल रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मुझे एडिटिंग भी कंप्लीट करनी है इस वीडियो के लिए। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं कि कौन से वीडियो पे कितना व्यूज आया। तो जब हमने अपने पहले वीडियो को चेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसमें बस 75 व्यूज मिले हैं। इसके अलावा भी आप हमारे सेकंड वीडियो में देख सकते हो कि 256 व्यूज मिले हैं, लेकिन हमारा जो तीसरा वीडियो था उसमें आप देख सकते हो कि 2.3 के व्यूज मिले हैं। जो हमारा फोर्थ वीडियो था, यहाँ पे आप उसे देख सकते हो कि 4.1 के व्यूज मिला है। हमारे फिफ्थ वीडियो में 755 व्यूज मिला है। यहाँ पर आप हमारे सिक्स्थ वीडियो को देख सकते हो, इस पे 2.1 के व्यूज मिला है। इसी तरह अगर आप सेवेंथ वीडियो को देखोगे तो इसमें 23 के व्यूज मिला है। हमारे आठवें वीडियो में 734 व्यूज मिला है। इसी तरह हमारे नाइन्थ वीडियो में 4.2 के व्यूज मिला है। हमारे दसवें वीडियो में 1.4 के व्यूज मिला है। हमारे ग्यारहवें वीडियो में 583 व्यूज मिला है। हमारे बारहवें वीडियो में 6.5 के व्यूज मिला है। और यहाँ पर आप अपने आंखों के सामने हमारे चैनल की टोटल एनालिटिक्स देख सकते हो कि कितने सब्सक्राइबर और कितने व्यूज हमने कमाए। अब तक हमने 46,000 से ज्यादा व्यूज कमा लिया है बस 12 दिनों के अंदर। लेकिन अभी आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि भाई आपके वीडियो में व्यूज ही तो नहीं गया ज्यादातर। तो मैं आपको बता दूं कि बस मैंने 12 दिनों तक वीडियो अपलोड किया है, और 12 दिनों में आप क्या चाहते हो, 4 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन हो जाए। हर कैटेगरी में अलग अलग तरह से व्यूज आते हैं, जैसे कि फैक्ट कैटेगरी में बहुत सारे लोग पहले से हैं, इसलिए थोड़ा कम व्यूज आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अगर आप 1-2 महीने तक काम करोगे तो डेफिनेटली आपके मिलियन में व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि फैक्ट के वीडियोस में स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा कम कम व्यूज आता है, लेकिन जब व्यूज आना स्टार्ट होता है तो बहुत ज्यादा व्यूज आता है। तो अगर आपको 12 दिनों के जगह टोटल 30 दिनों का रिजल्ट देखना है और आपको इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट, मैं इसके ऊपर 30 दिनों में जितने भी व्यूज आते हैं उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा। बाकी फिलहाल अभी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना।